बदनाम कर रखा आपने दिल्ली का। मैं बाहर जाता हूँ ना, कह रहे यार तुम तो उसका भिखारी हो दिल्ली के, आपको लाइट फ्री है, पानी फ्री है और चीजें फ्री है, और गुरुद्वारे का लंगर तो वैसा फ्री है, तुम लोगों को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। कैसी लैंग्वेज यूज कर, आपको बोलने का तंत्र है मगर इतनी गंदी लैंग्वेज। होती यार देश के प्रधानमंत्री है, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, आप बदतमीजी से कैसे बात बोल सकते हैं? अनपढ़ खबर बोल रहे हैं आप, क्या मत वाला है आपको? भाई जब मुझे फ्री में मेट्रो में घूमने का मौका मिल जाएगा, फ्री में खाने को मिलेगा, तो मैं क्यों काम करूंगा? ओ मन मोहन जा करता विदेश समय फिर आ करता नू कड़ा रहा करता मोदी जा रहा अमेरिका का प्रधानमंत्री भी हो राष्ट्रपति भी नू करा मिलियो जी एक बार जो दरिया देश की। और बात थोड़ी दुबई में राम मंदिर बनने लग रहा, सारी बात यार दिल्ली बना दिया, दिल्ली बना दिया, इंडिया ने तो छोड़ दिल्ली बना दिया। लंदन की बात कर रहे थे, वो लग रहा है आपको? लंदन कड़ा लंदन है यू बता यार। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अफसर अली जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? अब वो कह रहे हैं कि भगवान कुछ संदेश दे रहा है, यानी कि 2024 में वो कह रहे हैं कि बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री, तो क्या आपको लग रहा है बनेंगे, आप बनाओगे उन? नहीं मुश्किल तो नहीं, बन सकते हैं, काम उनका अच्छे चल रहा है दिल्ली में, काम अच्छा चल रहा है। अच्छा नेता जो है उनके वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं, फंस फंस जा रहे हैं, वैसे वो तो फंस रहे हैं उनके, वो सही नहीं है क्या या गलत है वो? ना ना वो गलत ही फंसाया जाता है उनको, गलत फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है भाई साहब? ये सब राजनीति में फंस जाते हैं ना, ये राजनीति में फंस जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो सीबीआई और ईडी काम कर रही है। अब आप कहेंगे कि सीबीआई और ईडी जो है वो भाजपा की है, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं वो तो मिली जुली सरकार चल रही है, और आपस में सब एक से ही अंदर से बाहर बाहर। सीबीआई और ईडी जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं भाई साहब, इन पर तो विश्वास होगा, तो क्या अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, वो सही नहीं है क्या? नहीं तो केजरीवाल अच्छा आदमी है, केजरीवाल अच्छा आदमी है, यानी कि मतलब अब की बार पीएम देखना चाहते हैं आप? हाँ देखना चाहते हैं केजरीवाल को। हाँ जी हाँ, बने या ना बने वो अलग चीज, बने हाँ बने या ना बने सही, मतलब अंगूठा वहीं पे दबेगा क्या? अंगूठा केजरीवाल केजरीवाल पे दबेगा। अच्छा कुछ काम बताइए जो अच्छे लगे हो आपको केजरीवाल। ये बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री है और बसें फ्री है, ये सब चीजें फ्री कर दी, और शिक्षा फ्री, अस्पताल फ्री है, शिक्षा फ्री, अस्पताल फ्री और पानी फ्री, बिजली फ्री, और एक के साथ एक दारू भी तो फ्री थी। दारू कहाँ में नहीं पता, दारू कहाँ में नहीं पता, वो भी तो घोटाला हो गया था ना उसमें अभी वो। शर्मा जी मैं मुल्ला जी की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, मतलब हम लोग इतने भिखारी हो गए दिल्ली वाले, फ्री चाहिए हमें जी। हमारी माँ बहन की जेब में 10 रुपये नहीं है टिकट के लिए, हैं हम 500 रुपये 200 रुपये पानी का बिल नहीं भर सकते, कितनी यूनिट फ्री दे देते हैं, किसके घर में आज एसी नहीं है, किसका बिल फ्री आता है मेरे को बताओ? एक झुग्गी वाले के भी भाई साहब एसी घर में लगा हुआ, ये जो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन इन्होंने स्कीम लगा ली ना केजरीवाल ने, मेरा चैलेंज है आपको, जिस दिन ये फ्री का चंदन हट जाए भाई साहब ये सपने में सोचेगा मैं जूते पॉलिश कर लूंगा, राजनीति में कभी नहीं आऊंगा भाई साहब। पूरा देश प्रभावित हो रहा है, फ्री पे बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तो सेंटर की तरफ से भी फ्री आ रही है ना चीजें, कि राशन नाम हुआ भाई साहब सुमित भारद्वाज, राशन फ्री, ये सही। आप अगर वो बेसिक चीजें फ्री दे रहा है तो उसमें बुराई क्या है? अगर आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो वो रोटी कमाने लायक होंगे। अगर इकर पॉलिसी पर क्या कहेंगे जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया जिस जेल में है, एक के साथ एक फ्री वाली बात? बिल्कुल सही बात है, कहीं पे फ्री है कहीं पे पैसे बढ़ के मिल रही है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। और मेरा ये है कि जब ये सरकार सामने, जब ये सब चीजें हो रही थी तब बीजेपी सरकार कहां पे थी? तब उसको ऑन द स्पॉट क्यों नहीं पकड़ा? ये बाद में आरोप लगाने वाला, ये तो राजनीति का बहुत पुराना मतलब एक इतिहास रहा है। लेकिन जब ये चीजें तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भाई साहब जब 2014 में केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था और जो हलफनामा भरा गया था उसमें डिग्री की मांग क्यों नहीं करती थी, जो अब कह रहे हैं कि डिग्री फेक है, अब उनका किस काउंटर का जवाब दीजिए? देखो बिल्कुल सही बात है उनकी। देखो राजनीति के अंदर में दो चीजें होती है, उस टाइम पे केजरीवाल पे निशाना ना लगा करके ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये एक्टिविटी की थी। अच्छा। बट इस चीज को जो है राज के अंदर में सब चीजें दबा दी जाती हैं, तो ये राज की बात है जो राज के अंदर ही रह गई है। क्या लग रहा है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, अभी जो दो टक्कर वाली सरकारें हो रही है, वर्सेस हो रहा है जिनमें, कौन इसके सामने में केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कुछ लूंगा ना कुछ खाने दूंगा, उसने खुद गाड़ी भी खरीद ली, सब बंगला भी लिया, स्विमिंग पूल इतने कई करोड़ों में स्विमिंग पूल बना ली, कहाँ से आए पैसा ये बताओ ना जी।
भ्रष्टाचार, इसने खाली भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी हुआ है। सिसोदिया जेल में क्यों गया? वो छोड़ने वाला नहीं है सिसोदिया, जितने उसने घोटाले करे इनको ये पता है चार्ट क्या है। हाँ, फ्री कहाँ से आता है? अगर इसे फ्री देना है तो अपने घर से दो ना, तब मानते फ्री दे रहे हैं। अपने अपने टैक्स का पैसा जनता को वापिस कर रहे हैं। कौन ये टैक्स का पैसा? कौन सा टैक्स का पैसा है? टैक्स तो जनता का पैसा है सारा। वो कह रहे जनता को ही वापिस कर रहे। सही जगह पे पैसे क्यों नहीं लगाते ये लोग? अगर आप बसों का किराया ना करके भाई साहब सिलेंडर क्यों नहीं 500 रुपए का कर देते यार? 500 रुपए सिलेंडर कर दो ना, 1200 जो बेसिक चीज है 65 रुपए लीटर दिया है, अब उसको 30 रुपए क्यों नहीं कर देते? यह चीज है, अब बेसिक चीजों पे नहीं करते। आटा क्यों नहीं सस्ता कर देते? तेल क्यों नहीं सस्ता कर देते? इन चीजों पे भी लड़ो ना, इन चीजों पे लड़ो, इन चीजों पे वरी करो। अब जो बेसिक चीज है, पानी कितना यूज कर लेंगे आप, बसा कितनी यूज कर ले? लड़कियां वारागिर्दी करने निकल गई भाई साहब, 10 रुपए टिकट लगती नहीं, वक्त वारागिर्दी करो। उस चीज को क्यों कर रखी है आपने? बदनाम कर रखा आपने दिल्ली का। मैं बाहर जाता हूँ ना, कह रहे यार तुम तो उसका भिखारी हो दिल्ली के, आपको लाइट फ्री है, पानी फ्री है, और चीजें फ्री है, और गुरुद्वारा का लंगर तो वैसा फ्री है। तुम लोगों को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, भिखारी तक बोला जा रहा है दिल्ली वालों को, क्या कहेंगे? देखिए इसके अंदर में एक ऑप्शन है, केजरीवाल जी ने एक ऑप्शन दिया है कि आप अपने आप को भिखारी ना फील करें, आप अगर चाहें, अगर आप सक्षम है तो आप बिल भर सकते हैं, टिकट कटवा सकते हैं। और रही बात बेसिक चीजों की, फिर भाई साहब केजरीवाल बीपीएल कार्ड के आधार पर क्यों नहीं देती बिजली पानी फ्री? बीपीएल वाला जो चीजें हैं इसको बंद करना चाहिए। मेडिकल और एजुकेशन हर बंदे के लिए फ्री होनी चाहिए, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो बीपीएल हो। जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इसके अंदर में मतलब बाकी सब जर्नल हो चाहे बीपीएल हो, बीपीएल क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। लोअर कास्ट को हम बोलते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, जो जिसके जो मतलब गलत बोल रहे हैं आप। ये जो बीपीएल का कार्ड बनाया जाता है, कार्ड धारक होते हैं जो फैमिली के कार्ड बनाए जाते हैं, उस पर बात करें। जिसकी आय बहुत मिनिमम होती है, 50,000 रुपए सालाना या 1,00,000 रुपए सालाना होती है, तो उसका बीपीएल कार्ड बनता है, उसको बीपीएल की कैटेगरी में लेके आया जाता है। बट जनरली ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता है, तो सब बिजली फ्री फ्री कर रहे हैं, ऊपर से डेप्ट में जा रहा है, जल बोर्ड डेप्ट में है, डीटीसी घाटे में है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं। वो कहां से आए ये बता दो ना शर्मा। ये लोग 5 साल के लिए हम लोग जनता बिठाते हैं, ये तो जिस दिन दिवाला घोषित होके चले जाएंगे, ये सारा कर्जा हमारे पे, हमारे बच्चे भुगतेंगे, इनके बाप का कुछ नहीं जाता है। मैं 56,00,000 करोड़ का कर्जा था जब मनमोहन सिंह सरकार गई थी, आज 156,00,000 करोड़ का कर्जा है। पहले 26,000 रुपए कर्जा था हमारे पास, आज 1,10,000 रुपए हर बंदे पे कर्जा है। ओ भाई साहब तो कर्जे में डूबे पड़े, कहां से आप विकास कर रहे, कहां से तरक्की कर रहे? मैं तो इस चीज को बिल्कुल नकारता हूं। अगर कर्जा ही लेके हमने ऐश कर, आपका क्या, आपका कहना है कि चाहे केजरीवाल आ जाए चाहे मोदी जी आ जाए, वहीं के वहीं रहेंगे, आपका मैं कहना ये। मेरा कहने का मतलब हम बाहर देशों में क्या सीख के आते हैं, बाहर देशों से सीख के क्या आते हैं, हम इस पे बहस करें ना कि हम कनाडा कैसे बनाएंगे, अमेरिका कैसे बनाएंगे। आपकी लैंग्वेज है तू तड़ी पार, तू अनपढ़, तू कांग्रेस की विधवा, तू पर, ये हमारी लैंग्वेज इंटरनेशनल मीडिया यार, बाहर की कंट्री में मोदी जी को तो चोर बोल दिया जाता है। मैं आपको क्या करूं, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सख्त होता? कैसी लैंग्वेज यूज कर, आपको बोलने का तंत्र है मगर इतनी गंदी लैंग्वेज। मोदी यार देश का प्रधानमंत्री है, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, आप बदतमीजी से कैसे बात बोल सकते हैं? अनपढ़ गवार बोल रहे हैं आप, क्या मतलब है आपको? आपको इसी टाइम लोग तो मानने का कैसे, मैं तो है तो फांसी में चढ़ा दो ऐसे लोगों को जो भी सरकारें बोलती है, ये गलत है बोलना उनका। जय हिंद जय भारत। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अब उनको एक मिनट सर, अगर उनको राष्ट्रीय पार्टी का ओहदा मिल गया है, वो धोखेबाज से कैसे बन गई भाई साहब? क्यों उनको तो फ्री के चक्कर में सबको लालच दे दिया और कुछ नहीं हुआ? अच्छा हाँ, असली बात फ्री काम नहीं हुआ, फ्री का देना उनका बड़ा बड़ा मन भा रहा है लोगों को भाई साहब। जब दिल्ली वालों को भागे तो देश को ना भाग जाए। फ्री वाले कहाँ से दे दिए बताओ ना, उसे अपने घर से दे दिया क्या? फ्री किसको दिया है? पंजाब में सरकार बना ली, डर रहे हैं मोदी जी, सीट ले आए गुजरात में, डरेगा मोदी, डरने और मोदी सारे क्यों हो रहे, चोर चोर भाई साहब इकट्ठे हो रहे, क्यों हो रहे ये बताओ? ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? कि मोदी हराने की इनको, और चोरी जो ये करे थे ना वो छिप कहीं छिप ना जाए, इसलिए वो चोरी के पीछे इसका सब और कुछ नहीं है।
चोरी के पीछे ये सब कुछ। वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो इतनी ईमानदार पार्टी है कि दूध के धुले हैं भाई साहब वो सब, और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत केस में अंदर डाला है, सत्येंद्र जैन गलत कह रहे, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा था उसको भी जेल में डाल दिया, जो शिक्षा पर काम कर रहा था उसको भी जेल में डाल, कहेगा उसका बोले हम तो गाड़ी भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, कहाँ से ले लिया बताओ, चलो सैलरी कहाँ से बढ़ा दी, पहले 20,000 रुपये सैलरी थी, 1,20,000 रुपये सैलरी होगी, अभी कह रहे थे कि 4-4 लाख रुपये सैलरी होगी, कहाँ से, हमने शुरुआत करी थी, हमने बहुत संघर्ष करा है कि हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, कह रहे ना हमारे पास उस टाइम पैसा था, फिर कहने लगे पैसा तो अब भी नहीं है, पार्टी तो कोई आएगी ऐसी बात नहीं, पार्टी नहीं आएगी, आगी तो जब जब जाएगी जब पता लगेगा कैसे चलेगी, जैसे टीएमसी वाले ऐसा बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी कुछ नहीं, आदमी पार्टी कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन में आम आदमी पार्टी है बस, नहीं ये अपने आप को बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी के अलावा कोई आएगा नहीं, इतना पता मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, एक तरफा है क्या, हाँ एक तरफा ही है, अच्छा सारे चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष। पीयूष जी आप युवा हैं, बार बार यही बात निकल कर सामने आती है कि महंगाई और बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, आप भी त्रस्त है? नहीं नहीं है, आपको नौकरी लेनी नहीं, नहीं है, मैं बताता हूँ एक मिनट, मेन मुद्दा है नौकरियों की कमी नहीं है, आपको लेनी नहीं है, करने की नीयत नहीं है लोगों की, जाओ नोएडा, जाओ गुड़गांव, अरे भाई इतनी नौकरी है, टेलीकॉलर की लोग मांग रहे हैं, लड़के लाके दो हमें, करने की नीयत नहीं है, सरकारी नौकरी तो नहीं है, प्राइवेट तो है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कहीं जो वो फ्री फ्री वाला सिस्टम है, कभी करना ही ना चाहे नौकरी, अब फ्री तो मिल ही रहा है, अब दिख गया ना नीयत नहीं है, अब जब आदमी को फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो मैं कमाऊंगा क्यों, जब मुझे केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बन गए सब देश में फ्री कर देंगे भाई साहब, भाई जब मुझे फ्री में मेट्रो में घूमने का मौका मिल जाएगा, फ्री में खाने को मिलेगा तो मैं क्यों काम करूंगा, सेंस लगाओ, मेरे को क्या चुल्ला है कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूं, क्यों करूं, नाश करता केजरीवाल तो देश का, नाश करता है केजरीवाल देश का, कर देगा प्रधानमंत्री बना के देख लो लाग जगह मेरा, पानीपत राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई, अब तो जो टक्कर पे है वो केजरीवाल ही है, और भगवान भी चाह रहे हैं कि अब की बार तो चेंज होना चाहिए, ऐसा संकेत कह रहे हैं, वो मुझे मिल रहा है, कौन सा भगवान चाह रहा है, कौन सा भगवान चाह रहा है, बता दे कौन सा भगवान चाह रहा है, तो बता दे, किसको भी मानते होंगे वो, किसको मानते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ किसको मानते हैं, अब ये तो उन्होंने बताया, कोई किसी को चाह रहा, मोदी आएगा एक तरफ आएगा जिसमें हिम्मत रोक कर दिखा दियो, मोदी आएंगे, मोदी का क्या काम आपको अच्छा लगा, ये सारे काम बढ़िया यार, सारे काम बढ़िया, मनमोहन जा करता विदेश समय फिर करता नुकड़ा रहा करता, मोदी जाए अमेरिका का प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी नुकरा मिलियो जी एक बार जो दरिया देश की, और बात थोड़ दुबई में राम मंदिर बन लग रहा, सारी बात यार ये कह रहे कि राम मंदिर दुबई में और यहाँ पर भी बन गया है, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा बात करें इधर तो आइए, युवाओं की बातचीत होती है, कह रहे युवा त्रस्त है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भाई बेरा गया कोई त्रस्तदार सरकार में हुआ है, बेरा गया छोटी एक के गलत, कोई नेता ऐसा नहीं है जो कति परफेक्ट है, एक आधी गलती सब करा है, लेकिन आज तक जितनी सरकार आई ना सबसे बढ़िया सरकार आई है, इस टाइम हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में खट्टर सरकार है तो क्या सही चल रही है, ना खट्टर कौन चल रही सही, खट्टर नहीं चल रही सही, लेकिन जो देश खत्तर है, देश खत्तर मोदी सही है तो सही है, लेकिन हरियाणा खत्तर तो कह रहे हैं भाई साहब जिनको सल्यूट करना चाहिए हम सब करते हैं, वो भगत सिंह को कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वो भगत सिंह है, भगत सिंह लगे तो चल काम है, कोई भगत सिंह लगे तो काम चल गया, कह रहे हैं वो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी जान तक दे देंगे उनको चाहे फांसी पर चढ़ा दो, भगत सिंह तो एक के था ना तो बोर्ड का है और ना कति हुआ है, नुके आंड होगा कोई कह दे, मैं भी कह दूं मैं भगत सिंह हो गया कहे था यार, हद कर रहे बता उस्ताद जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक मिनट सुनिए, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया का जो काम था आप कह रहे हैं मोदी जी काम कर रहे, कह रहे वो फेल हो गया, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मेक इंडिया नंबर वन की बात वो कर रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, कम पढ़े लिखे हैं वो कहां जानते हैं, दिल्ली बना दिया इंडिया ना तो छोड़ दिल्ली बना दिया, लंदन की बात कर रहे थे वो लग रहा है आपको, लंदन खड़ा लंदन है, बता यार लंदन है दूसरा कोई नहीं है, आंगली भी टेकन दे रसोले हाथ की, तितली आंगली नहीं होया भी टेकन दे केजरीवाल को, गारंटी है अब की बार हरियाणा सरकार मयूर
कौन हो बैदरिया? ओ खालिस्तानी सरकार बना ली भाई साहब उन्होंने, पंजाब में बना ली। अरे सुन तो ले, अमृतपाल ने टोल लगा दी दिन वो नहीं पकड़ता। अच्छा बिना लिया साला बैदरा एक वो ही नहीं पकड़ा। पार्टी बन गई पंजाब में, सरकार बना ली भाई साहब। अमित शाह तो दो एक बोर्ड है मौका, एक सेकंड में काट कर लिया बिल में था वो निकाल के लाएंगे। तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच लगातार हम रहते हैं, जनता की राय हम आपको दिखाते हैं और जनता बेबाकी से अपनी राय रखती है। ना बात हम पक्ष की करते हैं ना विपक्ष की करते हैं, लेकिन बात हम अपने देश की करते हैं। और लास्ट में एक यही बात कहूँगा, ना बात हिंदू की करूँगा ना मुसलमान की, बात करूँगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की। और तरक्की के लिए जो भी काम करेगा उसको आगे रखेंगे, और जो राष्ट्र विरोध काम करेगा उसके पीछे हाथ धोकर रजत शर्मा पड़ जाएगा। लगातार बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।